नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव, आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में। ये बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी फ़ोन में चलेगा गाइस, किसी भी फ़ोन में, चाहे वो 1 GB रैम हो, 2 GB रैम हो, किसी भी फ़ोन में चलेगा बिना लैग किए। इसलिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेस्ट है। ना कर बढ़ते इस वीडियो में, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, बढ़ते हैं अपने पहले स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ। तो कहीं जो हमारी पहली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है वो है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में, एंड प्ले स्टोर में जाके सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ लॉलीपॉप स्क्रीन रिकॉर्डर, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा RIV स्क्रीन रिकॉर्डर। इसका लोगो देख सकते हैं गाइस, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप बहुत बेस्ट है। ये किसी भी फोन में चलेगा बिना लैग किए। कोई कोई ऑटो बैक हो जाता है, पर ये ऑटो बैक नहीं होगा एंड ये बेस्ट है। मैं दिखा दूं कि अभी भी मैं इसी स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी इसी स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड गाइस आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ। तो जो दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर है, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा गेम स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे मैं सर्च किया हूँ गेम स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन रिकॉर्डर खुल के आएगा। ये स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत अमेजिंग है क्योंकि मैं इसको यूज़ किया हूँ एंड ये 1 GB रैम 2 GB रैम में बिना लैग किए आसानी से चला देता है, कोई भी फ़ोन में चल जाएगा, गारंटी देता हूँ 100%। तो गाइस जो ये दोनों स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने बताया, लॉलीपॉप स्क्रीन रिकॉर्डर, गेम स्क्रीन रिकॉर्डर, ये कोई भी फ़ोन में चलेगा 100% गारंटीड है बिना लैग किए। एंड ये थे दो बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर जो मुझे लगे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि ये लैग नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छे से चलते हैं। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड कमेंट कर देना कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए, वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।